से बैठ गए विशंबर। मामा जी किसी भी कुर्सी का खाली रहना शुभ नहीं होता है, और जब आप यहाँ पर मौजूद नहीं हो तो क्या मैं राजा नहीं बन सकता? निकल जा, मेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। Get out of my house, तुम सब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। राय साहब हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ। सुभद्रा तुम्हारा नालायक बेटा तुम्हें कहीं पर भी जीने नहीं देगा। इसे माफ कर दीजिए भाई साहब। Nothing doing। राजा साहब लालच में आकर इसने गलत काम कर दिया, शायद रुपए की कमी या मजबूरी में हो गया। आपके पास इतनी ज्यादा जमीन और जायदाद है, थोड़ा सा इनको भी दे दीजिए ताकि ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जी सके। मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। राजा साहब ये लड़कियां भी तो आपकी बेटियां हैं, इनकी शादी का जिम्मा भी तो गुनाह की जड़ हो सकता है। इसका मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। लाचारी ने इसे गलती करवाई है, इसे माफ कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से बीजे ठीक कह रहे हैं। टरी प्लीज। ठीक है, मैं अपने दामाद की बात टाल नहीं सकता, इसलिए सिर्फ इसलिए बात मान रहा हूँ। पहले आप अपने दिल को मना लीजिए, खुशी खुशी कोई चीज देने से ही सामने वाले को खुशियां हासिल हो सकती है। आप मुझसे वादा कीजिए, आप इनसे जो कुछ भी अच्छाई करेंगे खुशी खुशी करेंगे। अरे मान भी जाओ यार, मिलाओ हाथ और करो वादा। वादा वादा। तो पंडित ना शहनाई ना बारात, तुम्हारे गले मंगलसूत्र और एक अनजान आदमी से रिश्ता। अब वो अनजान नहीं रहा। मतलब? अंकल अब वो मेरे मन में बस गया है। अच्छा? हाँ, बेटे चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, मुझे पसंद है। सिर्फ तुम्हारी पसंद से बात नहीं बनेगी, क्या वो भी तुम्हें चाहता है? ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हें बताना पड़ेगा, शायद इतना तो हक बनता है मेरा। अंकल पापा कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे डैडी विजय के कहने पर जायदाद का कुछ हिस्सा तुम्हारी बुआ के नाम करने गए हैं। देखो तुम मेरी शराबत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। कल जज्बाती टेंशन की वजह से मैंने रुपए नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी भूल जाओ। चलो मेरा रुपया निकालो। बहरो हो क्या? ओ भाई चल बसे, चलो अपनी जेब में हाथ डालो, रुपया निकालो। आजकल रुपयों के मामले में आज तंग है। अरे तुम अपने हाथों की तंगी की वजह से मुझे तंग मत करो, चलो मेरा रुपया निकालो। ऐसे रुआब से पैसा मांग रहा है जैसे तेरे बाप से मैंने रुपया उधार में लिया था। मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं है। अरे झाड़ नहीं है तो चोरी करो, चलो मेरा हाथों रुपया निकालो। 5 का मिलेगा 2000। और जो तुम सुबह से शाम तक यहाँ हराम का खाते हो उसका पैसा कौन भरेगा? तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है इस घर के बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ। इतने जोर से हंस